थाना गोविंदपुरी साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे 15 मार्च को दिन के करीब 2 बजे एक घटना हुई थी, जिसमें एक कैश कलेक्शन एजेंट एक कंपनी का, जब अलग अलग एंटरप्राइजेस से कैश कलेक्ट करके बैग में लेके जमा करने के लिए बैंक में जा रहा था, तो गोविंदपुरी रविदास मार्ग के पास गली नंबर 8 के पास उसकी बैग की लूट हुई और उसमें 10 से 12 लाख रुपया का होने का उन्होंने कंप्लेंट में हमें बताया था। इस डे लाइट रबरी के ऊपर थाना गोविंदपुरी का ATO इंस्पेक्टर लोकेश शर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित करके तुरंत पुलिस ने एक्शन शुरू किया और वहाँ इलाके का जितने भी CCTV फुटेज अवेलेबल थे उन तमाम CCTV फुटेज की स्कैनिंग किया गया। इस मेहनत से हमें दिखाई पड़ा, एक पर्टिकुलर फुटेज में दिखाई पड़ा कि एक आदमी जो बैग लेकर के जाता है और एक मोटरसाइकिल में बैठ करके वो वहाँ से फरार हो जाते हैं और उनके साथ एक कुछ और भी लड़के गली में भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना बड़ा ही कठिन मामला था, लेकिन वो भी पुलिस ने किया और उनमें से एक आदमी जो CCTV फुटेज में दिख रहा था सुनील नाम का।